Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. So, all of you take out page number 42. पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 41 तक किया था, राइट? क्या कर रहे थे हम? हम कर रहे थे ट्रेसिंग. तो आज क्या कर रहे हैं? आज भी एक गाइडलाइन है, एक एक्टिविटी है, जो कि किससे रिलेटेड है? ट्रेसिंग से. जैसे कि यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, मोर फन विद ट्रेसिंग. चलिए देखते हैं क्या दिया है हमें. कलेक्ट सम थिंग्स सच एज अ पोटेटो, अ बॉटल कैप, अ मैच बॉक्स कवर, अ शार्पनर, एन इरेजर, अ स्पून, अ बस टिकट, अ कॉइन, अ स्ट्रॉ. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अदर थिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पर कितनी सारी चीज़ों का नाम दिया है कि जैसे पोटैटो, मतलब कि आलू, या फिर किसी बॉटल का कैप, मैच बॉक्स का कवर ले लो, या फिर शार्पनर ले लो, इरेजर ले लो, या फिर स्पून, या फिर कोई भी बस टिकट, या फिर कॉइन, या फिर स्ट्रॉ, मतलब उन सब चीज़ों का ट्रेस निकालो. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. फिर क्या कहा है, ट्रेस ईच ऑफ दीज. जितने भी नाम बोले ना, जो भी आपके पास चीजें हैं उन्हें कलेक्ट करो और फिर उन्हें यहाँ पर ट्रेस करो. ठीक है, सारी चीजों को यहाँ पर ट्रेस कर लो. आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस. फिर अपने फ्रेंड से पूछो कि ये कौन सी चीज का ट्रेस है. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर शार्पनर बोला था फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एक्टिविटी तो आपके लिए है. ठीक है, कि आपको कोई भी चीज को उठा के यहाँ पे ट्रेस करना है, मतलब कि उसका साइज थोड़ा वैलिड रखना, ऐसे ना हो कि चीज बहुत बड़ी हो ट्रेस करने के लिए. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शार्पनर लिखा हुआ है ना, तो ये वाला जो शार्पनर है यहाँ पर जो पड़ा है, मैंने इसी को यहाँ पे ट्रेस कर लिया. ठीक है, ये वाला शार्पनर, इसे मैंने यहाँ पर ट्रेस कर लिया. आई होप आप सबको दिख रहा होगा, तो मैंने इसको ऐसे ट्रेस कर लिया यहाँ पे. ऐसे ही आपको करना है. ओके, सो मूविंग अहेड टू पेज नंबर 43. सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 43, जहां पर क्या करना है, लुक एट द शेप ऑफ ईच ड्रेस यू हैव मेड. अब जितने भी ड्रेस आपने बनाए हैं उनके शेप की तरफ ध्यान दो कि चीजें कौन से शेप की है. मोस्टली सब स्क्वायर शेप की, रेक्टेंगल शेप की होंगी, राइट? कोई रेयर चीज होगी जो ट्रायंगल की होगी, या फिर सर्कल भी बहुत कॉमन है. सर्कल शेप की बहुत सारी चीजें होती हैं. नाउ सी इफ इट लुक्स लाइक एनी ऑफ द शेप्स गिवन हियर. अब हमें क्या नोटिस करना है इसमें, कि वो सब चीजें, इन ये जो शेप्स दिए हुए हैं उनसे मैच होती है कि नहीं, इसमें से कौन से शेप के साथ वो मैच हो रही है, मतलब कि सिमिलर लुक उनका सिमिलर आ रहा है. राइट द नेम ऑफ द थिंग बिलो द शेप. तो अब हमें खुद अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी चीजें इस शेप की होंगी, कौन सी चीजें इस शेप की होंगी, कौन सी चीजें इस शेप की होंगी, या फिर कौन सी चीजें इस शेप की होंगी, और हमें उन चीजों के नाम इन शेप्स के नीचे वाले कॉलम में लिख देने हैं, राइट? तो है ना बहुत सिंपल एक्टिविटी. यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स ऑलरेडी कोट किए हुए हैं, आई होप सबको विजिबल है कि कौन सा नेम है. ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल दिया हुआ था. ठीक है, एग्जैक्टली सर्कल शेप है. तो सर्कल शेप की कौन सी चीजें होती हैं? बैंगल्स, रिंग, इयर रिंग, बॉटल कैप, देन कॉइन, बिंदीज. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? एग्जैक्टली सर्कल राउंड शेप की होती हैं. उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है. ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप की कौन सी चीजें होती हैं, हमें वो यहाँ पर मैंशन करनी है. फॉर एग्जाम्पल, कंपास बॉक्स, इरेजर, बुक, डस्टर, बोर्ड, शार्पनर, मैच बॉक्स एंड बस टिकट. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप की होती हैं. उसके बाद क्या है, ट्रायंगल शेप. तो ट्रायंगल शेप की कौन सी चीजें होती हैं? पिज्जा इन द सेंस, पिज्जा का एक पीस समझ लो, पिज्जा पीस. यहां पे लिख देती हूं पीस. ओके, विजिबल है पी आई ई सी ई. ठीक है, पिज्जा पीस ट्रायंगल शेप का होता है. फिर टॉप, जो हम नीचे घुमाते हैं खेलने के लिए यूज करते हैं, वो वाला टॉप. फिर है कोन, आइसक्रीम कोन, तो वो भी क्या होता है? ट्रायंगल शेप का होता है. तो इसमें चीजें बहुत कम होंगी क्योंकि ये मतलब अजीब सा शेप है इसका, इसलिए. फिर कुछ अब तो पेंसिल के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी इसी शेप में आते हैं वैसे तो देखा जाए.
ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कुछ ओवल शेप का है। ओवल शेप की चीजें कौन सी होती हैं, टोमेटो, पोटैटो, पॉट, देन बाउल, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं, एग्जैक्टली सर्कल शेप की नहीं होती हैं, ये थोड़ी ओवल शेप की होती हैं। ठीक है, टोमेटो, पोटैटो, पॉट एंड बाउल, तो ये सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।